इतनी बार रिवाइज करना चाहिए, बट रिवीजन ऐसी चीज है भाई, जितनी बार करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। देखो ना यार, आप टेंथ में अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे पता नहीं है, लग तो नहीं रहा कि तुमने कुछ पढ़ा, बट हाँ मतलब कि अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो कई ऐसे चैप्टर होंगे, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, जो आपको इनिशियली मुश्किल लगे होंगे, बट टेंथ के एंड तक आते आते एग्जाम है ना कैंसिल होने से पहले तक उनमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। हर कोई क्लास जो है जब वो शुरुआत होती है तब उसके सारे चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं। यही ट्वेल्थ में जाओगे, अगर आप रिवीजन करते रहे मैं गारंटी देता हूं, इलेवेंथ जिसकी अच्छी गई 70% से ज्यादा चांस है उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, 70% से ज्यादा चांस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इलेवंथ बर्बाद हो गई तो आप कुछ कर नहीं सकते, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बट अगर इलेवंथ आपकी अच्छी गई तो मान लीजिएगा यार आपने बैटल जीत ली, इलेवंथ की फिजिकल ना फिजिकल केमिस्ट्री इस लेवल पे है, इस लेवल पे, ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री पता है किस लेवल पे है, इस लेवल पे। यस, इलेवंथ की फिजिकल केमिस्ट्री टफ है आज कंपेयर टू क्लास ट्वेल्थ, अगर कंपेयर करोगे, वैसे टफ नहीं है बट अगर ट्वेल्थ के साथ कंपेरिजन करोगे तो इलेवंथ की फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे, ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे है। इलेवंथ में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे बड़ा पोर्शन है, ट्वेल्थ में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे छोटा पोर्शन है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज, मेक श्योर करिए, रिवाइज करते रहिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए रोज के रोज। रोज भी मत सोचा करो यार, लंबा मत सोचा करो कि आज 24 घंटे में क्या करना है, 12 घंटे में क्या करना है, ये सोचा करो अगले 20 मिनट में क्या करना है, अगले 30 मिनट्स में क्या करना है। अगर आप इनमें छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे ना, मैं ये सोचूंगा ना कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मेरे दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ यार 12 घंटे पढ़ना है, हाँ यार 12 घंटे पढ़ना है, हाँ यार 12 घंटे पढ़ना है, हाँ यार कल टेस्ट है, हाँ यार कल टेस्ट है, वो हाय ही ले डूबती है इंसान को। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, अगले 20 या 25 मिनट, यार अगले 25 मिनट में ना आज जो सर ने पढ़ाया ना मैं उसके लाइक 20 मिनट के अंदर अगर मेरे कोई नोट्स रह गए हैं वो कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, यार अगले 25 मिनट के अंदर ना मैं सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा क्योंकि मैंने लाइव क्लास ली थी, बहुत सारी चीजें मुझे समझ आ गई थी, थोड़ी थोड़ी चीजों में मुझे प्रॉब्लम है तो मैं या तो वीडियो को दोबारा देख लूंगा या नोट से उनको जल्दी 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 रिवाइज कर लूंगा। अगर आप 20 25 30 मिनट का टारगेट रखोगे, बिलीव मी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर ये सोच के चलोगे अगले 4 घंटे लगातार पढ़ना जो मर्जी हो जाए, ठीक है, उसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात को मान के चलिए, बट हाँ धीरे 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 बिल्डअप होता है। ठीक है,